हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी को मैथमेटिक्स भैया मिस्टर क्लासेज में। तो हम लोग ने जहाँ पिछले क्लास तक पढ़ चुका है उससे आज हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो मेरा आ रहा है जिससे, और इसमें बता देने जा रहे हैं कि आपको 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से 11 तक फिनिश हो चुका है पिछले वीडियो में, और इस वीडियो में 11 से लेकर के जितना भी क्वेश्चन से आज इस वीडियो में पूरा 4.2 को फिनिश कर दिया जाएगा। और इसके जस्ट बाद हम लोग थ्योरी लेंगे कुछ, और उसके बाद हम लोग अगले चैप्टर 4.3 में प्रवेश करेंगे। तो चलिए, हमें आशा है कि आप लोग सभी लोग ठीक हैं, स्वस्थ हैं, मज़े में हैं, तो आगे बढ़ा जाए। तो देखिए ना, हम चलते हैं। हमारा एक्सरसाइज था चैप्टर का नाम है चैप्टर फोर, और ये है डिटरमिनेंट। और एक्सरसाइज हम लोग का चल रहा है 4.2, ये हम लोग का एक्सरसाइज है। तो चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में मैंने बताया कि 1 से 11 तक हो चुका है, तो आज हम लोग नेक्स्ट उसके लिए आगे बढ़ते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोगों के बीच आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन 4.2 का क्वेश्चन नंबर 12 आ रहा है। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 हमारा क्वेश्चन नंबर है क्या? क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। तो 12 में दिया हुआ है 1 x x square, 1 x x square और 1, और हमें प्रूफ करना है क्या? 1 - x³² ये हमें प्रूफ करना है। तो हम लोग देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन हमारा हो गया 1 x x² x² 1 x x और x x² 1, और हमें प्रूफ करना है 1 - x³² ये हमें प्रूफ करना है। तो हम लोग देखिए कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमने क्या बताया था, क्वेश्चन देखने के बाद हमको RHS देखना है कि RHS में प्रूफ क्या करना है हमको इस क्वेश्चन को लेकर के, और उसके अनुसार ही प्रॉपर्टीज का हम लोग यूज करके हमें LHS से चलकर RHS प्रूफ कर पाएंगे। तो हम लोग देखते हैं इसमें, तो हमारा है इस्तेमाल, देखिए अब हमको 1 - x³ लाना है तो कैसे ला सकते हैं, जरा देखते हैं। अरे तो 1 में से x घटाएंगे तो क्या x³ आएगा? नहीं आएगा। अच्छा, x² में से x² घटाएंगे तो आएगा? नहीं आएगा। यानी कॉलम वाइज कुछ कर रहे हैं तो हमें कुछ नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा रो वाइज चेक कर लेते हैं। अब 1 - x², यानी R1 में से R2 को घटाते हैं तो हमें देखते हैं कि 1 - x² हमको मिल पाता है, लेकिन हमें चाहिए 1 - x³ चाहिए। अब देखते हैं कि R3 घटाते हैं तो फिर भी कहता है x² - x आता है। ऐसा तो कुछ नहीं आ रहा है ताकि हम जो इससे निकाल सके, इसको प्रूव कर सके। तो चलिए कुछ काम करते हैं, अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन में दिमाग लगाते हैं और बात को ध्यान में लेंगे कि हमेशा क्वेश्चन रिपीट करता है और 4 नंबर में आपसे ये क्वेश्चन पूछता है। ये बहुत भीभी क्वेश्चन इसको माना जाता है, ये क्वेश्चन बहुत रिपीट करता है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बोर्ड मॉडल है, ये बोर्ड में बहुत रिपीट करता है। तो हम लोग देखते हैं, तो ये काम करते हैं, देखिए ना, यदि हम R2 में x से गुना कर दें और R1 में से घटा दें तो ज़रा देख लेते हैं क्या होता है। तो देखो, तो 1 में से x² में x से गुना करेंगे तो 1 - x² तो हमारा क्या हो गया, 1 - x³। देखिए ना, हमको तो ये दिख रहा है ना। आप देखते हैं इसमें कि x - x, सेकेंड टर्म लेते हैं, x में से R2 में x से गुना करके 1 - x करते हैं तो x हो जाएगा, और x में से x घटाएंगे तो हमारा कट के क्या होता है, 0 हो जाता है। और फिर देखें ना, x² में से x गुना x, यानी कि x² - x², ये भी कट के हमारा क्या होता है, 0 होता है। तो हमारा काम तो बन सकता है ना, हम यहाँ से इतना करने के बाद हमको 1 - x³ दिख रहा है यहाँ से, और ये 2 0 हो जा रहा है, तो हम यहाँ से आंसर ले सकते हैं इसको। तो चलिए, तो हम क्या अप्लाई करने जा रहे हैं, R1 अप्लाई करते हैं, R1 - x R2। बात को ध्यान देंगे,
R1 में से घटाना है R2 को x से गुना करके, यानी R2 को x से गुना करके R1 में से घटा देना है। तो ये हमारा रफ स्केच था और इस रफ स्केच को मैं मिटा दे रहा हूँ। तो देखिए ज़रा यहाँ पे इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, इसका हमको कोई ज़रूरत नहीं है, हमने समझाने के लिए वो काम किया। तो बेसिक बातें इंपॉर्टेंट होते हैं समझाने के लिए। तो देखिए यहाँ से हम लोग ये R1 करेंगे, यहाँ पे चलते हैं यहाँ से। तो क्या करते हैं, वन एक्स घटाना है ना, तो ध्यान दीजिए अब इसमें गुना करिए, एक्स स्क्वायर में एक्स से गुना करते हैं, एक्स के पावर तीन तो क्या हो जाएगा, एक्स के पावर तीन, और ये एक्स है वन में एक्स से गुना करेंगे तो एक्स हो जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर और ये भी हो जाएगा एक्स में एक्स से गुना करने पर एक्स स्क्वायर। अब ले सकते हैं ना आर टू को जस का तस रख देंगे, क्योंकि इसमें कोई छेड़खानी नहीं हमको करना है, ताकि इसमें कुछ करने की हम लोग को प्रॉपर्टी से लिया ही नहीं गया है। तो जो हम प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे उसके अनुसार ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि यहाँ वो क्या मिल पाता है। देखिए ना ये कट गया तो क्या हो गया, जीरो हो गया, अभी कट क्या हो गया, जीरो हो गया। अब देखिए तो वन माइनस एक्स क्यू जीरो और जीरो, और ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर वन एक्स, और ये हो गया एक्स, और ये हो गया एक्स स्क्वायर, और ये वन हो गया। अब यहाँ हम देख सकते हैं क्या, अब ज़रा यहाँ देखिए ना, आपको बताया गया है कि किसी रो या कॉलम में दो शून्य मिल जाए तो हम लोग ओपन करने पर जो प्रूफ करने वाला होता है वो औसतन आ जाता है, यानी हमारे लिए आसान होता है। तो ये करने से पहले हम क्या काम करेंगे, पहले इसको कॉमन ले लेंगे, लिखेंगे R1 में से 1 माइनस एक्स क्यू कॉमन लेने पर। ज़रा बात को समझेंगे, अंग्रेजी और हिंदी फेटुआ भाषा है तो हम लोग भोजपुरी है ना ये, तो थोड़ा सा लैंग्वेज भी इसमें चलता है। तो कॉमन लेने पर, कॉमन लेने पर तो चलते हैं यहाँ से। तो क्या लेते हैं, देखिए तो 1 माइनस एक्स का क्यूब तो कॉमन मैंने ले लिया, तो ये हमारा क्या हो गया, 1 हो गया, ये शून्य हो गया, ये शून्य हो गया, ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर हो गया, 1 हो गया, एक्स हो गया, ये हो गया एक्स, ये हो गया एक्स स्क्वायर, और ये हो गया 1। अब यहाँ देख सकते हैं हम लोग कि हमें ये मिल गया, और दो यहाँ आर वन में दो अवयव जो है हमारा शून्य हो गया। तो लिखते हैं आर वन के एलोंग, एलोंग ओपन करने पर। तो चलिए सबसे पहले 1 माइनस एक्स क्यू को हम ले लेते हैं, और इसके बाद ओपन करेंगे, ध्यान दीजिए इसको ओपन करेंगे तो ये ख़त्म और ये ख़त्म, क्या बच गया हमारा, क्या हमारा बच गया, ध्यान दीजिए यहाँ पे, यहाँ पे हमें बच जाता है 1 कॉमन ले लेते हैं और बच गया हमारा, देखिए ध्यान दीजिए जब 1 से लेके चले तो ये रो ख़त्म और ये रो भी ख़त्म, तो क्या बच गया 1 इंटू 1, तो 1 1 इंटू 1 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, तो क्या हो गया एक्स क्यूब हो गया। ध्यान देंगे कि जब एक्स स्क्वायर में एक्स से गुणा करते हैं तो एक्स की पावर 3 होता है, ये पावर 1 होता है, पावर जुट जाता है 2 प्लस 1 3 हो जाता है। ये बात बेसिक बातें हैं क्लास 6-7 की, ये बताना कोई इंपॉर्टेंट नहीं था, बट मैंने बता दिया ताकि आपको क्वेश्चन बाउंस ना करे। तो देखते हैं हम लोग, तो यहाँ से हम लोग क्या मिल पाता है, देखिए ना ये तो सेम एक जैसा मिल गया ना, तो कह सकते हैं कि 1 माइनस एक्स क्यू और इसका क्या जी एक और एक तो पावर जुड़ जाएगा ना, तो 1 1 क्या हो गया 2 हो गया। और यही देखिए जरा आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यही हमको RHS क्या करना था, प्रूव्ड करना था, और इस तरह से ये क्वेश्चन को हमने विधिवत रूप से बना लिया। अब आप लोग इस क्वेश्चन को बारी बारी देखें, समझें और क्लियर करें, और ये करने के बाद यदि कोई तरह का डाउट आपके मन में होता है तो आप डाउट हमसे निसंकोच पूछ सकते हैं। आपके स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर आ रहा होगा, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप सेंड करके क्वेश्चन से जो भी कन्फ्यूजन आपके मन में हो वो आप हम पे सेंड करके आप पूछ सकते हैं। तो ये 12 नंबर क्वेश्चन हमारा हो गया प्रूफ। और देखिए मैं बताता हूँ, ये भेविया ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है ये बात ध्यान देंगे। BM का मतलब समझिएगा बोर्ड मॉडल, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है और ये हमेशा रिपीट करता है आप लोगों को। तो चलिए ये हमेशा 4 नंबर का 4 मार्क्स आपको देगा, ये हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर दे भी दे, तो इसको ढंग से बनाना है, बहुत आसान है, इतना आसान है कोई जवाब नहीं। अब हम लोग चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर आ रहा है। तो चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर आ चुका है, और क्वेश्चन नंबर 13 है क्या, 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab माइनस 2b 2ab 1
माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू ए टू बी माइनस टू ए वन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और प्रूफ क्या करना है, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब, हमें यही प्रूफ करना है। तो हम लोग देखते हैं ज़रा, तो चलते हैं हम लोग क्या करेंगे। देखिए सबसे पहले हमारा कार्य ये होगा कि क्वेश्चंस को देखते हुए हमें प्रूफ क्या करना है उसको देखेंगे। देखो तो क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करना है वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखते हैं कहीं वन प्लस ए स्क्वायर कहीं बी स्क्वायर है क्या, तो ऐसा कुछ तो दिखाई ही नहीं दे रहा है। तो देखो जरा कुछ जोड़ घटा के देखते हैं, इसको इसमें जोड़ते हैं, कॉलम को कॉलम में जोड़ते हैं, फिर भी कुछ नहीं आ रहा। इसको इसमें करते हैं, फिर भी देखते हैं माइनस टू बी है, स्क्वायर में चाहिए हमको, टू बी में तो कुछ नहीं रहा है, चलो ए भी निकले हो रहा है, ये टू ए बी। अब इसमें इसमें करते हैं, आर वन आर टू भी करते हैं तो कुछ नहीं करने का, देखे ना यहाँ बी स्क्वायर टू ए बी एक चला आएगा, तो ऐसा तो कुछ तो मांग नहीं रहा है। देखो ना यहाँ पे बी है और टू बी है, यदि हम इसमें गुना कर दें बी से, आर थ्री में यदि बी से मैं गुना कर दूँ तो आप सोच सकते हैं ना कि ये टू बी स्क्वायर हो जाएगा, और इसको इसमें ऐड करेंगे तो ये माइनस, देखिए ना कैसे इसको समझते हैं, देखिए समझते कैसे हैं, रफ में कैसे समझते हैं, वन प्लस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, और ये प्लस हो जाएगा टू बी स्क्वायर, जब बी से इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमको मिल जाएगा वन प्लस ए स्क्वायर या प्लस, देखिए ना बी स्क्वायर मिल गया, यानी हमको जो चाहिए हो तो हमको दिख रहा है। थोड़ा सा विद्यार्थियों बच्चों दिमाग लगाना है, ताकि क्या प्रूफ करना है, कैसे चले, रो से चलो कलम से चले, कैसे चले, प्रॉपर्टीज को कैसे यूज करें, ताकि हमारा जो प्रूफ करना है वो हमें प्राप्त हो जाए आसानी से। तो ये बात ध्यान देना होगा, थोड़ा सा सोचना होगा, और सबसे बेस्ट तरीका मैं बता दे रहा हूँ, इस क्वेश्चंस को बारी बारी बनाएं, और मैथ का मतलब होता है रिवीजन, इसको आप बारी बारी बनाएं, आपके दिमाग में बैठा रहेगा, इस तरह का क्वेश्चन ऐसे ही बनता है। तो यहाँ हम देखते हैं क्या, तो यहाँ देखते हैं हम कि इसमें क्या करते हैं, आर वन में अप्लाई करते हैं, R1 अप्लाई करते हैं, R1 प्लस बी आर थ्री, बात को जरा ध्यान दीजिए, यानी R3 में B से गुना करके R1 में जोड़ते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ मेरा होता क्या है, थोड़ा सा इसको क्लियर मैं कर ले रहा हूँ, ताकि इसे हमको आवश्यकता है नहीं, और हमें आशा है कि आप समझ चुके होंगे। तो देखते हैं हम लोग यहाँ से कि कैसे समझना है इसको, जरा बात ध्यान देंगे लोग। तो यहाँ देखते हैं हम लोग क्या करेंगे, तो चलिए अब इसमें करना है, तो देखो तो वन प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस टू बी स्क्वायर, जब इसमें बी से गुना कर टू बी इंटू बी, क्योंकि आर थ्री में बी से गुना करना है, तो बी से गुना करने पर टू बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमें क्या मिल जाएगा, अब घटाएंगे जरा ध्यान देखिए, प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस है, लेकिन बड़ा वाला का चिन्ह, तो बड़ा वाला क्या है, प्लस है, यानी आ जाएगा वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लिख सकते हैं वन प्लस ए स्क्वायर आप प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखते हैं हम अगला मैं क्या करूं मैं, तो देखो ना इसमें बी से गुना करते हैं, तो टू ए बी तो पहले से है आर वन में, और चलो प्लस बी गुना आर थ्री में तो क्या है ये माइनस टू ए है, तो क्या करते हैं टू ए बी और माइनस टू ए बी, तो कट के हमारा क्या मिलता है, शून्य मिलता है, तो आप यहाँ क्या रखोगे, शून्य रखोगे। अब ये देखो माइनस टू बी है, माइनस टू बी है, और इसमें बी से गुना करना है, जोड़ना है हमें, तो बात ध्यान देंगे यहाँ पे कि प्लस करना है b इंटू, तो इसको 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ हम देखते हैं कि माइनस टू बी अब प्लस बी अब प्लस ए स्क्वायर बी अब माइनस बी क्यू, तो जरा यहाँ देख लेते हैं क्या आता है, माइनस प्लस माइनस माइनस, यानी कि माइनस बी अब माइनस ए स्क्वायर बी और माइनस बी क्यू। तो देखो ना यहाँ सब में देखेंगे विद्यार्थियों, यहाँ पे बी सब में कॉमन निकाल सकते हैं, तो माइनस बी मैंने कॉमन लिया, क्या मिल गया, वन प्लस ए स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर, आपको यहाँ पे इतना प्राप्त हो गया। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हो, माइनस बी इंटू में वन प्लस ए स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर है, बात ध्यान देंगे, मैंने सारा रफ स्केच में करते हुए चल रहा हूँ, ताकि आपको कोई भी बात समझने में प्रॉब्लम ना हो, तो समझना होगा ढंग से। अब चलिए ये तो मैंने काम कर लिया, अब तो कुछ नहीं करना, सबको लिख देते हैं, तो क्या करते हैं टू ए बी वन माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और टू ए, और ये टू बी माइनस टू ए और वन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आगे चलते हैं, तो थोड़ा मैं इसको क्लियर करूंगा ताकि हमें आगे बढ़ने में मेरी आसानी हो। ये रफ स्केच था, आप रफ स्केच को देखेंगे समझेंगे, तो चलते हैं अब इसमें देखिए ना क्या कर सकते हैं, अब हम ऊपर वाले में से कॉमन ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं कॉमन, क्या लिखेंगे, टेकिंग कॉमन, टेकिंग कॉमन
क्या क्या मान लेंगे, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फ्रॉम आर वन, आर वन में से मैंने कॉमन ले लिया तो क्या हो गया हमारा, हो गया वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और कॉमन के बाद ये वन बच गया, जीरो बच गया, ये माइनस बी बच गया, ये टू ए बी बच गया, ये वन माइनस ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, और ये टू ए और ये टू बी माइनस टू ए वन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए ना यहाँ तक हम लोग चले आए, तो ये हमारा एक कॉमन हो गया। अब देखिए और कुछ कर सकते हैं, और कुछ करेंगे तो हम कॉमन लेकर के एक और कॉमन ले सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग से हम लोग सोचेंगे। तो ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ तक तो मैंने कर लिया, अब क्या कर सकते हैं, अब देखिए आर टू में कुछ करते हैं हम लोग, आर टू में कुछ करेंगे तो हमें आशा है कि कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा। तो देखते हैं आर टू में क्या करते हैं। देखो तो आर टू हमारा क्या है इसमें, अब मैं अच्छा आर टू में मैं घटा दूँ, ध्यान दीजिएगा ढंग से, मैं आर टू में से मैं घटा दूँ आर थ्री को, लेकिन ए से गुना करके। तो देखो ना ये प्लस माइनस कट के तो शून्य हो जाएगा ना, लेकिन जब इसमें ए से गुना करें तो माइनस टू ए स्क्वायर, तो ए एस ए वन माइनस ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और माइनस माइनस टू ए स्क्वायर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा मेरा प्लस हो जाएगा, और टू ए स्क्वायर आई, ध्यान दीजिए यहाँ पे ए स्क्वायर है, रफ में समझेंगे। देखिए मैं कह रहा हूँ कि अप्लाई पहले मैं कर दे रहा हूँ ताकि हम सबसे आगे की ओर बढ़ जाएंगे। तो हमने आर टू में अप्लाई किया, आर टू माइनस माइनस क्या करेंगे ए आर थ्री, ध्यान दीजिए ये ए है, नाइन नहीं समझेंगे हम लोग, इसको ए समझेंगे। मैंने आर टू में से क्या कर दिया, आर टू में से मैंने आर टू में से ए आर थ्री, मैंने आर थ्री में ए से गुना करके और आर टू में से घटा दिया। तो चलिए ना घटाते हैं, तो रफ देख सकते, देखो यहाँ टू बी ए बी है, टू ए बी और माइनस ए गुना टू बी, तो क्या हो जाएगा टू ए बी माइनस टू ए बी, ये कट के हमारा क्या हो गया शून्य हो गया। तो अब देखिए ना यहाँ लिख सकते हैं हम लोग वन जीरो माइनस बी, और ये हमारा क्या हो गया कट के शून्य हो गया, तो यहाँ शून्य। अब देखिए अब इसमें देख सकते हैं इसका रफ, मैं इसको आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, आपको दिया हुआ है कितना दिया हुआ है वन माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस, ध्यान दीजिएगा ए गुना माइनस टू ए। अब बात ध्यान समझेंगे लोग यहाँ पे, देखिए तो वन माइनस ए स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस टू ए, ए क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि टू ए में से घटेगा ए, तो वन अब प्लस ए स्क्वायर प्लस क्या जी बी स्क्वायर, तो यहाँ लिख सकते हैं वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगला में देखते हैं हमारा क्या है, इसमें भी ए से गुना करेंगे और इसमें से घटा देंगे, तो देखते हैं टू ए मेरा है टू ए है, टू ए माइनस ए इंटू वन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि क्या हमें मिलेगा, तो 2a ए माइनस ए, ध्यान दीजिए यहाँ पे 2a माइनस ए और ये हो गया माइनस से तो चिन्ह बदलेगा प्लस ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ जरा समझ सकते हैं ढंग से, ए स्क्वायर नहीं होगा यहाँ पे, a के पावर तीन हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी स्क्वायर है और a गुना, तो a के पावर क्यूब और ये ए बी स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि बी स्क्वायर तो ऑलरेडी पहले से है हमारा और a में इससे गुना कर रहे हैं। तो देखिए ना तो 2a में से a गया तो क्या बच गया a बच गया a आप प्लस ए स्क्वायर आप प्लस ए बी स्क्वायर। ये देखिए यहाँ से a कॉमन ले लेते हैं वन प्लस, देखिए ना ये ए क्यूब था, सॉरी ए क्यूब था, ये ए क्यूब है ऊपर में देख सकते हैं और ये ए स्क्वायर आप प्लस बी स्क्वायर, तो ले सकते हैं यहाँ पे हम लोग एक कॉमन में ले लेते हैं और लिखते हैं यहाँ पे वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए इसको मैं इसको सामने में लिख दे रहा हूँ ताकि ज़्यादा बेटर होगा। अब देखिए ये आपका हो गया, अब चलते हैं आर थ्री में, तो आर थ्री में हम क्या करेंगे, कुछ तो करना है नहीं तो उसे लिखना है ना, तो आर थ्री हमारा है टू बी, टू बी माइनस टू ए और वन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
ये आपका हो गया यहाँ तक। थोड़ा सा सीधा सीधा कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। 1 + a² + b² 2b और -2a, चलिए यहाँ तक हो गया। कुछ स्पेस बचा हम लोगों के लिए क्वेश्चन बनाने में, अब आगे चलते हैं। तो आगे देखिए ना, यहाँ पे देखते हैं कि R2 में से एक और कॉमन ले सकते हैं हम लोग, तो हमारा एक और कॉमन हमको मिल जाएगा। तो हम R2 में से कॉमन ले लेते हैं, क्या लिखते हैं, टेकिंग कॉमन 1 + a² + b² फ्रॉम R2। अब यहाँ देखिए, यहाँ तक हो गया बात। तब हम लोग देख सकते हैं क्या कि पहले से तो एक हमारा था यहाँ पे 1 + a² + b², अब एक और आ गया 1 + a² + b² इंटू में 1 + a² + b². तो 1 0 -b, यहाँ से कमा लेंगे तो ये तो 0 रहेगा, ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा a हो जाएगा। अब चलिए, अब क्या बच गया हमको, ये बच गया 2b और -2a और 1 - a² - b² अब यहाँ देखिए ना, अब आप यहाँ से ओपन करने के बाद भी आप आंसर ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे हम लोग यही से इसको ओपन भी कर सकते हैं, ओपन करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम लोग को जितना करना था वहाँ तक कर चुके हैं, अब यहाँ से ओपन भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा देखते हैं अब आगे क्या करेंगे, 2 तो मिल चुका ना, तो ओपन कैसे कर लेते हैं, ज़रा ध्यान देंगे यहाँ पर। तो अगर इसके अलॉन्ग कर लेते हैं ओपन, अच्छा इस किसी के अलॉन्ग करेंगे ओपन, तो मान तो हमारा वही आएगा। अब कहीं देख लेते हैं, कहीं करने पर 2 0 नहीं ना हो सकता है, तो नहीं, यहाँ 2b है और यहाँ पे क्या है 2a है, तो हो ही नहीं सकता। यदि ये ए बी में रहता तो इसमें क्या करते हैं, बी से गुना करके इसमें से जोड़ देते, तो ये हमारा मान शून्य, 2 मेरा मान शून्य हो जाता तो हमारा कुछ बनता, क्योंकि इसमें से इसे मान कर तो 1 तो कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, ये होता है -1 हो जाता। तो देखो, 2 0 करने का मेन मतलब है कि हमारा कैलकुलेशन जो है वो आसान हो जाए, बट ऐसी भी कोई लंबी नहीं है। चलिए यहाँ से कर लेते हैं, तो इसको लिख सकते हैं कि 1 + a² + b² का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 चीज़ हो गया। अब देखिए, अब इसके अलॉन्ग खोल देते हैं, R1 के अलॉन्ग खोलते हैं यहाँ पे। चलिए तो पहले इसको लेते हैं, तो ये चीज़ ख़त्म, 1 हमारा रहेगा, तो क्या हो जाएगा, ये 1 - a² - b² और ये क्या हो जाएगा, -2a² हो जाएगा। देखिए -2a² हो जाएगा, लेकिन जब -2 हो जाएगा मेरा प्लस हो जाएगा। अब चलते हैं, ये 0 लेते हैं, तो यहाँ पे 0 ख़त्म, ये तो इस कुछ भी नहीं। और चलिए ये लेते हैं -b, तो प्लस माइनस प्लस तो -b ही रहेगा, -b रहेगा। और यहाँ पे देख लेते हैं, जब इसको ख़त्म कर देंगे और इसको ख़त्म करेंगे तो क्या बच जाएगा हमारा, ये बच जाएगा। देखो 0 में गुना करेंगे -2a से, 0 में गुना करेंगे -2a से, तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी 0 -2b। अब यहाँ देख सकते हैं हम लोग का आंसर यहाँ से एकदम आसानी से आ जाएगा, जो प्रूव करना है। अब देख सकते हैं 1 + a² + b² का होल स्क्वायर। अब देखिए, अब प्लस, ये प्लस तो ये इनटू में है, हालांकि बात ध्यान देंगे, प्लस में ये छिपा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, यानी कि +1 है ये, इनटू में छिपा हुआ है। तो देखो यहाँ से देखो ना कैसे है, 1 - a² और -b² अब देखिए +2a² और +0 और ये -+2b² हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, तो देख सकते हैं क्या कि ये ए स्क्वायर है माइनस में और ये स्क्वायर है प्लस में, तो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा ना, तो लिख सकते हैं क्या, अब ये हमारा +1 है तो कुछ करेंगे नहीं, छोड़ देते इसको, ऐसे उड़ा देते हैं इसको यहाँ से। यदि +1 में किसी संख्या से गुना करना है तो हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ती, उसको उड़ाते हैं। अभी देखिए, इसमें से ये गया तो कितना बच जाएगा, 1 तो हमारा पहले लेते हैं, और 2a² में से a² गया तो बच गया a² और 2b² में से 1b² गया तो क्या बच गया, b² बच गया। और देखिए दोस्तों, यहाँ +1 ले सकते हैं और यहाँ से हमें क्या मिल गया, हमको मिल गया 1 + a² + b² और ये बराबर हमारा क्या हो गया, RHS हमारा प्रूव्ड हो गया। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन, देखिए देखने में थोड़ा सा क्रिटिकल लग रहा था, बट ध्यान देंगे कि ऐसी कोई क्रिटिकलनेस इसमें है नहीं, ईमानदारी पूर्वक आसानी से, ईमानदारी पूर्वक ध्यानपूर्वक देख करके बनाते जाना है। और देखें कि हमारा बनाते बनाते हमारा लास्ट में तो 2 और 1 कितना जी, 3, तो पावर 3। और हमें यही प्रूफ करना था
देख सकते हैं आप लोग कि 1 + a² + b² का होल क्यूब, यही हमको प्रूफ करना था। तो आप देख के प्रूफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम लोग। अब आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 14 आने जा रहा है, आप लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। तो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 14 इस चैप्टर का। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं और देखते हैं पहले है क्या। a² + 1 ab ac ab b² + 1 bc ca cb और c² + 1, और इसको लेकर के प्रूफ क्या करना है, 1 + a² + b² + c² यही हमें प्रूफ करना है। तो ज़रा बात को ध्यान देंगे हम लोग। एक बात मैं बारी बारी कह रहा हूँ कि LHS से चलने से पहले एक बार RHS की ओर देख लेना है। देखिए ना, 1 + a² देखिए, तो आप देखो तो यहाँ पे तो ए स्क्वायर है। यदि मान लेते हैं हम C1 C2 C3 को जोड़ते हैं तो a² + 1 ab या + ac, देखो तो क्या जाएगा, ABAC आएगा। तो ABC से मान तो नहीं कह रहा है। फिर इसमें देखते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ पर देखते हैं इसको जोड़ते हैं तो ABCA भी बात वही आ रहा है। एक काम करते हैं, हम लोग बचपन से बहुत ही काम किए हैं कि किसी संख्या में किसी अंक से गुना किए हैं, उसी से भाग भी कर दिए हैं। तो ज़रा एक बात को समझेंगे हम, देते हैं, लिखते हैं क्या यहाँ पे R1 अप्लाई AR1 और R2 अप्लाई BR2, ध्यान देंगे, और R3 अप्लाई CR3। अब यहाँ देख लेते हैं हम लोग क्या देखते हैं, गुना करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो क्या करेंगे, R1 में गुना करते हैं तो ये हमारा कॉमन हो गया a² + 1, और ये a² b, और ये a² c। अब यहाँ देखिए b से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, ab² b × b² + 1 और b² c। यहाँ पे c² a, अब c² b, c × c² + 1। तो एक बात यहाँ ध्यान देंगे हम लोग कि हर हाल में देखिए तो हमें क्या मिल गया। अब मैं एक काम करूँगा ना कि देखिए, मैंने तो गुना कर दिया, ABC से गुना किया और ABC कॉमन ले लेते। देखिए R1 में रो में गुना किए हैं, रो के थ्रू गुना किए हैं, ढंग दीजिए यहाँ पर ढंग से। लेकिन कॉमन ले लेते हैं हम लोग, कॉलम के थ्रू कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे। तो इसमें से निकालेंगे, इसमें से बी, इसमें से निकालेंगे तो हमारा क्या, देखो तो अच्छा मान ली तो हमारा इससे गुना कर दिया, तो हम लिख सकते हैं बटा में का a × b × c। अब जरा बात को ध्यान दीजिए, एक हम यहाँ पे ABC से गुना कर दिए जो अंदर चला गया, अब कॉमन लेने जा रहे हैं। तो देखो अब कॉमन लेते हैं कैसे, कॉलम वाइज, तो C1 C2 तथा C3 में से क्रमशः a, b तथा c कॉमन लेने पर, अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब क्या करते हैं, कि कॉमन ले रहे हैं तो उसमें से लेंगे एक कॉमन, तो क्या बचेगा a² + 1 b² और c²। इसमें से बी कॉमन लेना है, क्या बच गया a² b² + 1 और ये बच गया c² इसमें सी कॉमन लेना है, तो a² b² और c² + 1। अब देखिए ना, हमने कॉमन ले लिया, तो मेरे कहने का मतलब कि हम ABC या बटा में ABC, तो ABC से गुना कर दिया और ABC कॉमन ले लिया, तो मेरा कट के क्या हो गया, 1 हो गया। तो अब जरा देखिए, तो अब हम यहाँ से सबसे पहले जब कॉमन लेंगे तो क्या कर लेंगे हम लोग, तो ABC, क्योंकि हमने क्या लिया है, सब में से कॉमन लिए हुए हैं, तो ABC कॉमन लेते हैं, मेरा कट के क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये ख़त्म। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे हमको मिल गया क्या, आपको यहाँ पे मिल गया a² + 1
ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, फिर क्या मिल गया, बी स्क्वायर प्लस वन और ये बी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर, सी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस वन। अब बात यहाँ ध्यान देंगे कि ऐसी बात ध्यान देंगे यहाँ पे कि अब हमें चाहिए का तो ये चाहिए वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, हमको यही चाहिए। तो जरा देखिए तो अब क्या कर सकते हैं, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं, हम जोड़ देते हैं, सब में जोड़ेंगे, सब में जोड़ें तो हमको क्या मिल जाएगा, देखो हमको वही मिल रहा है, यानी सी वन सी टू और सी थ्री को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, चाहे आर वन आर टू आर थ्री को जोड़ देते हैं। देखो ना, आर वन को जोड़ देते हैं, इसको इसमें जोड़ते हैं, आर टू को जोड़ते हैं, आर थ्री को जोड़ देते हैं, तो लिखते हैं क्या कि आर वन अप्लाई आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। अब चलिए यहाँ से हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, तो जब हम जो बोले हैं वो करने जा रहे हैं, हमने क्या बोला आपको कि इसको जोड़ देना है, तो जोड़ना कैसे जोड़ना है, तो जोड़ेंगे हम लोग, तो हमारा ये हो जाएगा वन प्लस ए स्क्वायर, नीचे वाला बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर, फिर ऊपर में लेंगे तो क्या जोड़ेंगे, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब इसको फिर से इसको जस का तस मैं लिख दे रहा हूँ, ये बी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर प्लस वन और ये बी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर प्लस वन। अब यहाँ देख सकते हैं हम कॉमन क्या ले सकते हैं, हम कॉमन यहाँ से ले सकते हैं क्या जी, कॉमन ले सकते हैं, ये कॉमन ले सकते हैं आर वन से, क्या ले रहे हैं कि आर वन में से वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन लेने पर, कॉमन लेने पर बात ध्यान दीजिए, देखिए कहीं कोई क्रिटिकल केस नहीं है, समझ में आ रही है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत हो तभी हमारे व्हाट्सएप पे स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, उस पर पूछ करके आप अपना कन्फ्यूजन क्लियर कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम यहाँ से देखते हैं अब कि हमें कॉमन लेने के बाद क्या मिलता है, तो वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, वन 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 बी स्क्वायर प्लस वन बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस वन। अब आप यहाँ देख सकते हैं आसानी से इसको, अब जरा देखिए तो दो को शून्य करने का मन है तो कर सकते हैं शून्य, तो शून्य करने से प्रॉफिट हमारा क्या होगा, देखिए तो क्या करते हैं ना कि शून्य करना तो हमको है, तो हम शून्य करने के लिए सोचते हैं, तो जरा देखिए तो अब शून्य करने जा रहे हैं हम, तो हमें ये मिल गया, अब यहाँ से हम लोग शून्य कर सकते हैं, तो देखते हैं कि क्या हमारा बचता है शून्य करने के बाद, तो थोड़ा सा एक बार रिपीट करना चाहेंगे हम, थोड़ा सा एक बार क्वेश्चन को पूरा रिपीट कर लेते हैं, देख लेते हैं, मिला लेते हैं, तो हम लोग देख सकते हैं आपको यहाँ पे कि ये हमारा यहाँ तक हो चुका क्लियर। अब क्या करेंगे, इसको इसके अलॉन्ग खोल देते हैं, ओपन करते हैं इसके अलॉन्ग, तो चलिए देखते हैं यहाँ से, तो माइनस करते हैं, चलिए क्या कर देते हैं ना माइनस है? कि इसको इसको सी वन में से सी टू को घटा लेते हैं, तो क्या होगा, माइनस होगा, नहीं होगा, हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। चलिए तो लिखते हैं सी वन अप्लाई सी वन माइनस सी टू, तो लिख रहे हैं क्या हम लोग, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखिए इसमें से घटा तो जीरो, वन वन, अब घटेगा ये तो माइनस वन, बी भी कट जाएगा माइनस होने पर, माइनस वन बच जाएगा और ये बच जाएगा शून्य, और ये बच गया सी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर प्लस वन बच गया और ये बच गया बी स्क्वायर प्लस वन और ये हो गया बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से अब इसके अलॉन्ग हम लोग खोल देंगे, इसके अलॉन्ग खोल देंगे, तो ये ख़त्म हो गया,
और ये ख़त्म हो गया। क्या बच गया हमारा? हमारा बच गया यहाँ पे, देख सकते हैं बच्चों, इसको थोड़ा मैं यहाँ पे ला दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा लो, यहाँ स्पेस नहीं है, मैं इसको यहाँ पे ले रहा हूँ और यहाँ पे आपका हो जाएगा। ये हो गया 1 + a² + b² + c² और देखें ना, इसके अलावा खोलते हैं तो -1 है ये, तो प्लस माइनस, तो माइनस ऑलरेडी पहले से भी है, माइनस पहले, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये ख़त्म। तो बचेगा हमारा c² + 1 और -c², इससे ये ख़त्म। तो क्या बच गया दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं विद्यार्थियों, 1 + a² + b² + c² और ये देखो क्या 1 × 1 बचा, यानी कि इंटू में 1, तो लिख सकते हैं जब यहाँ से आ गया तो कि 1 + a² + b² + c² और बराबर हमारा यही देखते हैं कि हमको RHS में प्रूव्ड करना था। तो ये बातें हो गई यहाँ पे क्लियर। तो देखिए ना, आपको यही प्रूफ करना था और ये आपका प्रूफ हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी ख़त्म हो गया और इस चैप्टर में हमारे आशा है कि क्वेश्चन कितने बच जाते हैं, इस चैप्टर में क्वेश्चन 2 बचते हैं, 15 और 16। तो अभी हम लोग तुरंत इसको भी देख ही लेते हैं, ये MCQ क्वेश्चंस हैं और इसमें क्वेश्चन नंबर 15 है और 16 है। प्रश्न संख्या 15 तथा 16 में सही उत्तर चुनिए, यानी MCQ में सही उत्तर चुनना है। तो थोड़ा देख लेते हैं, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है। तो विद्यार्थियों देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 दोनों मैंने लिख दिया है और आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो देखते हैं कि कह रहा है कि 15 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि एक 3×3 ऑर्डर कोटि का वर्ग आव्यूह है तो के का मान क्या होगा। आपको बताया गया था, देखिए थोड़ी सी बातें को समझेंगे, आपको पहला है दूसरा वीडियो में थ्योरी दिया गया है, दूसरा वीडियो में हमें आशा है कि यदि मान लीजिए 3×3 ऑर्डर का ये 3×3 ऑर्डर का ये अगर मैट्रिक्स होता है और के है, के 3×3 ऑर्डर है तो क्या होता है, देखिए ऑर्डर का पावर चलता है के पावर 3 और ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ए हो जाएगा। यानी कि ऐसा कौन दिखता है, तो हमारा सी दिख रहा है, आपको पिछले क्लास थ्योरी में बताए जा चुके हैं, कृपया पढ़ कर पीछे देख लेंगे, एक बार रिविजन भी हो जाएगा और हालांकि बताएगा और आपका करेक्ट आंसर यही है। 16 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ध्यान दीजिएगा, ये सारणी के बारे में आपसे पूछ रहा है, बोल रहा है कौन सत्य है। तो पहला कह रहा है कि सारणी का एक वर्ग आव्यूह है। क्या सारणी का एक सिर्फ वर्ग आव्यूह है, ऐसी बात नहीं है। सारणी का एक वर्ग आव्यूह के संबंध में एक संख्या होता है, क्योंकि एक वर्ग आव्यूह होता तो आव्यूह का तो कोई डिफिनेट मान तो आता ही नहीं ना है, जबकि डिटरमिनेंट का कोई एक फिक्स मान आता है। तो इससे करके वर्ग आव्यूह के संबंधित एक संख्या हो सकता है, और जो कि देखिए दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में कि सारणी के एक वर्ग आव्यूह से संबंधित एक संख्या है। तो आंसर आपका यही है सी नंबर, और सारणी के एक आव्यूह से संबंध है। तो क्या संबंध है, संबंध तो कैसी आव्यूह, आव्यूह है तो कैसी आव्यूह, कैसा आव्यूह है सारणिक, तो हम तो जानते हैं कि मेरा वर्ग आव्यूह है और इसमें वर्ग दिया है नहीं, तो इसलिए हमारा ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, आई तो गलत हो ही गया। तो हमारा सी आंसर क्या हो गया आपके, कि सारणी के एक वर्ग आव्यूह से संबंध एक संख्या है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हमने चैप्टर 4.2 को फिनिश किया। और एक और बात देखिए, कब तक ऑर्डर हम लोग आ रहा है क्लास ओपन करने का, क्या हो रहा है, तब तक हमको यूट्यूब पर बने रहना है। और हाँ एक बात है, यदि आपको पसंद आए मेरी वीडियो, समझ में आए, तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और उसके बाद इम्पोर्टेंट है बेल आइकन इसलिए दबाना है ताकि मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियो आपके पास ऑटोमेटिकली सबसे पहले पहुँच जाए, और हमारी आप वीडियो को देख करके मेरी सहायता से आप पढ़ें। और हमें उम्मीद है कि आप हमारे वीडियो से पढ़ करके बेल आइकन प्रेस करेंगे, शेयर भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और अच्छा मार्क्स भी लाएंगे आप अपने एग्जामिनेशंस में। तो बने रहें मेरे वीडियो पर, मेरे वीडियो बने रहने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। चलते हैं, बाय, सी यू, लव यू।